एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सैटर्न अगर आपके दशामशा चार्ट या फिर d10 चार्ट के फर्स्ट हाउस या फिर लग्ना में प्लेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी नागपंचमी टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जो भी कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र वाले हो वो आज नाग देवता की स्पेशली पूजा अर्चना कर सकते हो या फिर शिव जी की भी पूजा कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएगा। या फिर आप मन ही मन में गॉड से प्रे भी कर सकते हो, पूजा ही करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सैटर्न क्या रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आपके लिमिटेशंस, आपके बाउंड्रीज को दिखाता है। सैटर्न डायरेक्टली आपके कर्म के साथ एसोसिएटेड है। करियर के ऊपर सैटर्न का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सैटर्न को कर्म फलदाता माना जाता है। अब देखिए, कर्म एक ऐसा चीज़ है जो आप कहीं ना कहीं, वो आपके खुद के हाथों में है, वो आप खुद ही क्रिएट करते हो, और इसीलिए सैटर्न या फिर शनिदेव जजमेंट के भी कारक माने जाते हैं। मतलब वो आपको रिवर्ड भी दे सकते हैं और आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। अब वो आपको क्या पाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो यहाँ पे सैटर्न आपको रिवर्ड देंगे, और अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है, एक लौता चीज़ है जो इंसान के हाथ में रहता है कि अपना जो कर्म है उसको अच्छे से करना। किसी को आप अपने कर्म के द्वारा मत हर्ट कीजिए या फिर बुरे कर्म से बचिए, यही मेरा मेन मतलब मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। अब देखिए, सैटर्न डिसिप्लिन भी दिखाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल दिखाता है, स्ट्रक्चर को दिखाता है, आपके स्टेबल सक्सेस को दिखाता है। सैटर्न कहीं ना कहीं फियर को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आप उस फियर को ओवरकम कर लो तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। सैटर्न आपको रियलिटी चेक देता है लाइफ का कि देखो भाई, तुम ऐसे हो, तुमको ऐसे चलना है तो ही जाके तुमको सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए सैटर्न से मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, तो टीचर जो सिखा रहे हैं लाइफ में उसको सीखते चलिए, लेसन्स लेते चलिए, तो आपको लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अब देखिए, दशामशा चार्ट का फर्स्ट हाउस, देखिए जैसे कि d1 चार्ट का फर्स्ट हाउस आपके पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपके ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही d10 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस रहता है वो आपके ओवरऑल करियर का एक फाउंडेशन दिखाता है। ओवरऑल करियर में आपका क्या थीम रहेगा वो हम d10 चार्ट के फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। आप कैसे अपने करियर में अपना रोल निभाओगे, मतलब कौन से प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करोगे, तो जाके आपको फेम और सक्सेस मिल सकता है, वो d10 चार्ट का फर्स्ट हाउस बताता है। इसलिए d10 चार्ट के फर्स्ट हाउस में शुभ प्लैनेट का बैठना बहुत अच्छा माना जाएगा, और इंक्लूडिंग सैटर्न का भी बैठना अच्छा ही माना जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि सैटर्न आपके d1 चार्ट के हिसाब से शुभ प्लैनेट है या फिर अशुभ प्लैनेट है, उसका जो डिग्निटी है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल d1, उसके बाद d9, उसके बाद d10 में जाके देखना पड़ेगा। साइन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, तो इससे कुछ भी कंक्लूशन पे मत पहुँचिएगा, ठीक है। अब देखिए, जिनके भी d10 चार्ट के फर्स्ट हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अपना जो फाउंडेशन है करियर का वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर आप बिलो 30 एज के हो तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इस करियर में चला गया अब मुझे एकदम वर्ल्ड वाइड सक्सेस मिल जाएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड हो जाऊँगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन से आपको यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आपको किसी भी तरीके से ईजीली रिकॉग्निशन मिल जाएगा अपने करियर से, तो आप गलत हो यहाँ पर। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे ड्यूटी ये बनता है कि आपका जो करियर फाउंडेशन है उसको आपको स्ट्रांग बनाना है, तो जाके यहाँ पे सैटर्न जो लगन में प्लेस्ड है वो आपको लाइफ में बहुत अच्छे सक्सेस देंगे और एक स्टेबल सक्सेस देंगे। यहाँ पे देखिए, ऐसा होगा कि ये पर्सन
ऐसा हो सकता है कि इनिशियल लाइफ में थोड़ा सा लो स्टेज से इनका करियर स्टार्ट हो, फिर धीरे धीरे ये हायर में जाएंगे। मतलब इनका ग्राफ लो टू हाई रहेगा, इनका ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम करियर स्टार्ट किया और एकदम सक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पर्सन को सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाएंगे अपने करियर के लिए, बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना देंगे। और अगर आप ऐसे नहीं हो, आप अगर लेज़ी हो रहे हो अपने करियर गोल्स को लेके, तो यहाँ पे बाद में जाके आपको ही तकलीफ़ होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट से ही आपको एक रूटीन मेंटेन करके चलना होगा, एक स्केड्यूल मेंटेन करके चलना होगा, खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा। एक यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई भी रूटीन जॉब में आप रहे, जहाँ पे यू नो आपको रिपीटेटिव कुछ भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि सैटर्न वही रिप्रेजेंट करता है रूटीन में रहना। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर करियर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो थिंग है, मतलब वो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, या फिर प्राइवेट में भी आप काम कर सकते हो, एमएनसी वगैरह में, इंजीनियरिंग फील्ड में, या फिर आप गवर्नमेंट में भी यहाँ पे जॉब आपको मिल सकता है, बहुत अथॉरिटिव पोजीशन तक आप जा सकते हो, पब्लिक से जुड़ के भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन सब कुछ मिलेगा, मतलब एक अथॉरिटिव पोजीशन जो आप चाह रहे हो। बट यहाँ पे आपको वो शुरुआती लाइफ में, इनिशियल लाइफ में नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं सेटबैक मिलेगा। मतलब काम हो रहा है फिर भी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आपको यहाँ पे इनिशियली गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे खुद के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, टाइम के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली सैटर्न आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर भी यहाँ पे पैदा करेगा, और करियर को लेके वो फियर मेनली रहेगा। आप अपने करियर के, मतलब आप अपने सोचोगे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसी भी डाउट्स वगैरह आपके मन में आ सकती है, बट उसको ही आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मतलब रिस्पॉन्सिबल आपको ज़्यादा बनने की ज़रूरत है, और खुद ब खुद आप रिस्पॉन्सिबल बन भी जाओगे, हार्ड वर्किंग भी आप होगे करियर को लेके, इसीलिए आपका यहाँ पे जो सक्सेस है वो आफ्टर 36 आपको यहाँ पे मिल सकता है, अगर आप अपना जो सेल्फ वर्थ है उसको यहाँ पे प्रूफ करते चलो। यहाँ पे आपको प्रूफ देने की ज़रूरत है सैटर्न को कि मैं उस पोजिशन के मतलब पोजिशन को पाने के लिए मैं वो काबिलियत रखता हूँ या फिर रखती हूँ, तो जाके सैटर्न आपको वो रिवर्ड देंगे। आप अगर यहाँ पे हार मान के बैठ जाओगे तो यहाँ पे सक्सेस और भी ज़्यादा डिले होते चला जाएगा। तो जो भी सेटबैक्स या फिर जो भी डिले आपको फील हो रहा है, उसको आपको ओवरकम अपने एफर्ट से ही करना होगा, क्योंकि सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस में पड़ रहा है, जो आपके सेल्फ एफर्ट को दिखाता है। इसका मतलब आप अपना जब खुद का करेज, खुद का एफर्ट दिखा के काम करोगे, तो यहाँ पे जाके आपका काम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने इमेज को लेके ज़्यादा मत सोचिए, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा करियर में यू नो जो इमेज है वो अच्छा नहीं है, मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। यहाँ पे सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में जा रहा है, इसीलिए करियर में कहीं ना कहीं डिले हो सकता है, बट आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव रोल तक मिल सकता है। अथॉरिटिव पोजिशन में जाने के लिए सैटर्न यहाँ पे प्रॉमिस दिखाता है। यहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड में भी, मतलब लोगों के साथ जुड़ के आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो, यहाँ पे सैटर्न आपको ग्राउंडेड रहने को कह रहे हैं, आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। आप अगर अपना ईगो दिखाने चले गए, मतलब कोई भी आपको सपोज कुछ भी इंक्रीमेंट मिल गया और उसको लेके आपको यहाँ पे ईगो नहीं दिखाना है, और इसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। जो भी करियर में जब भी आपको कुछ सक्सेस मिले, मैं बोलूँगी आप अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं या फिर आपके सबोर्डिनेट्स हैं, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए, तो आपका यहाँ पे जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मेनली आपको एक मतलब सैटर्न एक स्ट्रक्चर्ड पर्सन बना देंगे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैटर्न आपको हेल्प करेंगे, इसलिए सैटर्न जो लेसन्स दे रहे हैं आपको इनिशियल लाइफ में, उससे सीखते चले जाइए। लेज़ी होके ऐसे अगर बैठ जाएंगे तो फिर पूरा यहाँ पे आपका करियर भी वैसे ही बैठ जाएगा।
ठीक है। तो मेरी ये कुछ एडवाइजेस है जिसको अगर आप फॉलो करके चलोगे तो इनिशियली आपको जो भी सेटबैक्स मिल रहे हैं या फिर जो भी हर्डल्स आप फील कर रहे हो, आप वो सोचो कि उसको क्रॉस करते, क्योंकि देखिए जब भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हो, वो ईजिली किसी को आज तक नहीं मिला है। तो ये बात दिमाग में रख के आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।